हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडलम वीडियो। पेंडलम वीडियो पे आपका स्वागत है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चाइनाज मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन तियानवन वन के बारे में। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना के इस मिशन के बारे में और ये भी जानेंगे कि इससे पहले कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मार्स के पे अपना मिशन भेजा है, और हम ये भी जानेंगे कि क्यों मार्स पे जो मिशन है वो भेजे जा रहे हैं, अलॉन्ग विद के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम जानेंगे मार्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले तियानवन की हम बात करते हैं। तो तियानवन वन जो है ये चाइना का पहला मार्स मिशन होगा जो मार्स पे लैंडिंग करेगा, और इसको जो है जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो है मार्स की सरफेस पे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में लैंड करेगा। अगर ये मिशन जो है चाइना का सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना थर्ड कंट्री बन जाएगा टू लैंड ऑन मार्स सरफेस आफ्टर यूएस एंड यूएसएसआर। और ये जो तियानवन वन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस ये जो पूरा मिशन है ये ऑल इन वन है। ऑर्बिटर भी है इसमें, लैंडर भी है एंड रोवर भी है। तो ऑर्बिटर बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है जो किसी सरफेस पर लैंड नहीं करता है, बट वो इस पर्टिकुलर प्लैनेट या फिर उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ घूमता है, तो वो ऑर्बिटर होता है। लैंडर की अगर हम बात करें तो ये वो स्पेसक्राफ्ट होता है जो किसी प्लैनेट की सरफेस पर लैंड करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। एंड रोवर जो होता है ये वो व्हीकल होता है या किसी भी प्लैनेट की सरफेस पे, प्लैनेट या मून के सरफेस पे जो है एक्सप्लोर करता है उसके सरफेस को वहाँ पर, तो उसको हम रोवर कहते हैं। तो ये जो तियानवन वन मिशन है ये ऑल इन वन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है। और ये तियानवन वन मिशन जो है ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो मार्स का सरफेस है उस पर सर्च करना फॉर वाटर, आइस और जो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानकारी लेना, वहाँ के एटमॉस्फेयर को पढ़ना, एंड और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अलावा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जैसे वहाँ पे रॉक्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शामिल हैं। और हम जानते हैं जो तियानवन वन मिशन है ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाएगा। और ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट जो है ये एक लॉन्च सिस्टम है जिसको चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी CALT द्वारा बनाया गया है। एंड ये जो मिशन है इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, इसको वेंचेंग लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन में 13 पेलोड्स होंगे, दैट इज 7 ऑर्बिटर्स होंगे और 6 रोवर्स होंगे जो मार्स को एक्सप्लोर करेंगे। और जो मिशन का जो लॉन्च है कि जुलाई में लॉन्च होगा, इसको कन्फर्म किया चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन में जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है 2016 से। तो काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है एंड फाइनली जुलाई में ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च होगा। अब हम जानते हैं कि इससे पहले मार्स पे कौन कौन सी कंट्री ने मिशन भेजा है। तो USSR की बात करें हम 1971 में, तो वो पहली कंट्री थी जिसने मार्स लैंडिंग की थी, ठीक है। ध्यान रखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो है कि ऑर्बिटिंग अराउंड मार्स, ठीक है, और एक है कि मार्स पे लैंडिंग होना। तो मार्स की लैंडिंग कैरी आउट करने वाला USSR पहला जो है कंट्री बना था। उसका जो Mars 3 लैंडर था इट वॉज एबल टू ट्रांसमिट डेटा फॉर 20 सेकेंड्स फ्रॉम द मार्स सरफेस बिफोर फेलिंग। उसके बाद कंट्री ने दूसरा जो है मिशन तैयार किया, दूसरा लैंडर तैयार किया, और फिर 2 साल बाद 1973 में मार्स पे लैंडिंग की। उसके बाद जो सेकेंड कंट्री बनी मार्स की सरफेस पे पहुंचने वाली वो थी US, और US ने जो रिकॉर्ड होल्ड किया है फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ मार्स लैंडिंग 1976 से अभी तक जो US है 8 सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग कर चुका है, और सबसे जो लेटेस्ट था वो था इनसाइट। एंड बात करें हम इंडिया की और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो उन्होंने मार्स के ऑर्बिट पे अपना स्पेसक्राफ्ट जो है प्लेस किया है। तो USSR और US के बाद जो है चाइना तीसरी कंट्री बनेगा जो मार्स पे लैंडिंग करेगा। एंड इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो भेजा है वो अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं वो मार्स के ऑर्बिट पे। इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है या मंगलयान जिसको कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, एंड आफ्टर अ ईयर ऑफ इट्स लॉन्च इट वाज एबल टू प्लेस इटसेल्फ इन द मार्स ऑर्बिट। और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश इन 2013।
एंड चाइना का जो इससे पहले, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि इससे पहले चाइना ने एक मार्स मिशन और अपना चलाया था जिसका नाम था युंगहो फर्स्ट, लेकिन वो फेल हो गया था क्योंकि वो अर्थ की ऑर्बिट को ही लीव नहीं कर पाया था और फिर वो डिसइंटीग्रेट हो गया पैसिफिक ओशन में 2012 में। तो अगर हम बात करें तो चाइना का वैसे तो ये सेकेंड अटेम्प्ट है, बट एज अ मिशन अगर वो जा रहा है तो वो फर्स्ट मिशन कहलाएगा मार्स एक्सप्लोरेशन का, क्योंकि पहला वाला वो अर्थ ऑर्बिट ही लीव नहीं कर पाया था। बट ऐसा नहीं कहेंगे कि इससे पहले चाइना ने ट्राई नहीं किया फॉर मार्स मिशन। चाइना का जो पहला मार्स मिशन है वो युंगहो फर्स्ट रहेगा। तो चलिए अब हम कुछ और चीज़ें जानते हैं कि लोग मार्स पे मिशन क्यों भेज रहे हैं, क्या ज़रूरत है कि हम मार्स को एक्सप्लोर करें। तो इसका रीज़न कुछ ऐसे है कि जो रेड प्लैनेट है, जो मार्स है, इस पे कुछ अर्थ के जैसे फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, कैनियंस हैं, वोल्केनोस हैं और सीजनल वेदर पैटर्न्स हैं। तो अगर अर्थ लाइक फीचर्स होंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्स जो है वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। और इसीलिए पास्ट फ्यू ईयर्स में मार्स मिशंस जो हैं दे हैव बीन एबल टू डिस्कवर द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन द प्लैनेट। तो अब या तो वहाँ पर जो है लिक्विड जो वाटर प्रेजेंट हुआ है उसकी वजह से, तो जो लिक्विड वाटर है या तो वो अभी प्रेजेंट होगा या फिर कुछ समय पहले प्रेजेंट होगा। तो इससे हमें बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं एंड इट ओपन्स अप मोर एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन के हम और चीज़ें जानें उसके बारे में और इस पॉसिबिलिटी को इंश्योर करें कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है या नहीं। दिस हैज़ मेड स्पेस एक्सप्लोरर्स मोर क्यूरियस अबाउट वेदर द प्लैनेट कैन सस्टेन लाइफ। न्यूअर नासा मिशन हैव सिंस ट्रांसिशन फ्रॉम देयर अर्लीस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ फॉलो वाटर टू सीक साइंस ऑफ लाइफ। तो जो नासा के जो मिशंस हैं अब उनका एम ये है, पहले तो था कि भाई फॉलो द वाटर कि पानी कहाँ मिलेगा, अब है कि अब लाइफ कहाँ मिलेगी उसके साइंस अगर कहीं दिखते हैं तो उसको फॉलो करना है, उसके लिए ढूंढना है कि मार्स पे क्या लाइफ पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए अब हम कुछ और चीज़ें जानते हैं, फैक्ट्स देखते हैं कुछ मार्स के बारे में। अब मार्स पे मिशन जा रहा है तो मार्स के बारे में तो पता होना चाहिए। तो लेट्स सी, तो मार्स फोर्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसका जो साइज है वो अर्थ के साइज से आधा है और ये एक रोटेशन अपना 24.6 आवर्स में कंप्लीट करता है, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू वन डे ऑन अर्थ विच इज़ 23.9 आवर्स। और मार्स जो है उसका जो कलर रेड है इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन द रॉक्स एंड डस्ट ऑफ मार्स, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स जो है वो उसके पास लार्जेस्ट वोल्केनो है सोलर सिस्टम में जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स एंड इट्स 3 times टॉलर देन अर्थ माउंट एवरेस्ट। तो अर्थ का जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी 3 times वो ज़्यादा बड़ा है, माउंट ओलंपस मॉन्स जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो है मार्स का। मार्स हैज़ अ थिन एटमोसफेयर और उसका जो थिन एटमोसफेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन जैसी गैसेज हैं जो दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वॉट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ एटमोसफेयर। ऑल्सो मार्स के 2 मून्स हैं जिनके नाम है फोबोस एंड डीमोस दैट मे बी कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स। सो यहाँ पर हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानी अबाउट द चाइनीज मिशन टू मार्स दैट इज Tianwen-1 के बारे में। हमने ये भी जाना कि और कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रीवियसली जो है मार्स पे मिशन भेजे हैं। ऑल्सो हमने ये जाना कि मार्स पे मिशन क्यों भेजा जा रहा है और हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जाने अबाउट मार्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पेडलर वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए टू रिसीव नोटिफिकेशंस और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।